अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं ब्रेड समोसा और कचौरी, जिसके लिए आलू मैंने लिए हैं आधा किलो। उबाल लें, फिर मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें शामिल करें एक कप चीज़, आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और आधा कप चेडर चीज़। फिर इसमें शामिल करें एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, एक चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, एक खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच नमक शामिल करें। साथ ही शामिल करें 4 से 5 खाने के चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। नमक मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद शामिल करें 4 से 5 खाने के चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटी हरी प्याज शामिल करें। नॉर्मल प्याज भी शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बेसन का मिक्सचर तैयार करें। 2 कप बेसन लिया है, छान लें। फिर इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 4 से 5 खाने के चम्मच बारीक कटा हरा धनिया शामिल करें और पानी की मदद से मिक्सचर को बना लें। ब्रेड लिए, चारों किनारे हटा लें, किसी भी छुरी की मदद से काट लें किनारों को। कचौरी बनाने के लिए ब्रेड से गोल हिस्सा निकाल लें। अब पहले समोसा बनाएंगे। ब्रेड के एक हिस्से पर मायोनीज लगाएं। दूसरे हिस्से पर केचप और गार्लिक सॉस मिक्स किया है वो लगाएं। अब मैश आलू रखें, अच्छे से दबा दबा कर लगाएं ताकि फ्राई करते वक्त ब्रेड खुले नहीं। आलू लगाने के बाद अच्छी तरह दूसरे हिस्से को ऊपर रखें और दबा लें। फिर समोसे की शेप में काट लें। इसी तरह कचौरी भी तैयार कर लें। समोसे और कचौरी तैयार हो गई है। अब जो मिक्सचर हमने बेसन का बनाया था, इसमें अच्छी तरह समोसे को लगाएं चारों तरफ से। फ्राई पैन में तेल गरम कर लें और फिर समोसे और कचौरी फ्राई करें। एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर दूसरी तरफ से पलट के फ्राई करें। समोसे और कचौरी फ्राई हो चुके हैं, तेल से निकाल लेंगे। आप लोग भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।